अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर स्थानीय नगर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर डीसी वाघमारे प्रसाद कृष्ण, उप विकास आयुक्त गरिमा सिंह, डीएसडब्ल्यू मनीष तिर्की, सचिव डालसा आरती माला समेत अन्य अतिथियों ने किया। इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति किए गए। इस मौके पर उपायुक्त वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को बधाई दी। अभिभावक अपने बच्चों में फर्क ना करे, कहा बेटा और बेटी में फर्क बिल्कुल ना करे। आज बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। उन्होंने महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए स्वरोजगार से जोड़ने पर बल दिया। इससे मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और संदेश यही है कि बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं और खूब बड़ा बनाएं और उनके हर कदम में उनके साथ कदम मिलाते हुए चलें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही संदेश है। कार्यक्रम में सर उपस्थित हुए हैं, कैसा लगा आपको? कार्यक्रम बहुत ही सुंदर हो रहा है और बच्चियां जो प्रस्तुतिकरण भी कर रही है वो बहुत ही सुंदर और ग्रेसफुल हो रहा है और जिला प्रशासन के हमारे तमाम अधिकारी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और इतने अच्छे कार्यक्रम को देख करके हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि इतनी सारी महिलाएं जो है आई हैं क्षेत्र से, उनसे भी आज मिलने का मौका मिल रहा है, उनकी बातें सुनने का मौका मिल रहा है। सर, महिला दिवस के अवसर पे महिला उत्थान विकास के लिए कुछ नई पहल? देखिए, महिलाओं के उत्थान के लिए सबसे ज़रूरी है कि उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको सपोर्ट किया जाए। तो जिले में जो है JSLPS के माध्यम से कई सारे महिला स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, तो ये जो संगठन पहले से बना हुआ है ये हम लोग के लिए एक एसेट है, तो इसी एसेट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग हमारे ज़िले की महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है उसको और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को बच्चियों को जितना हो सके उतना सपोर्ट करने के लिए समूह के माध्यम से पहल की जाएगी। आर्थिक समूह बिल्कुल, एक समूह में जब कई महिलाएं एक साथ आती हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उसी तरीके से आगे बढ़ना आसान भी होता है। सर, ये रामपुर भी आज गया तो उस पर कुछ दे दीजिए। रामपुर और कुड़ू दोनों जगह JSLPS के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह की हमारी दीदियाँ हैं उनसे आज मेरी मुलाकात हुई है, उनको मैंने महिला दिवस के परिलक्ष्य पे शुभकामनाएँ दी हैं और उनका काम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से कितने आत्मविश्वास और उत्साह के साथ में महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं और JSLPS को एक माध्यम बनाते हुए अपनी खुद की प्रगति महिलाएं कर रही हैं और इसमें लीडरशिप भी महिलाओं की ही है और इसमें बेनिफिशरीज भी महिलाएं हैं, तो उनका काम देख के बहुत बड़ा अच्छा। थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट में आए और इतनी अच्छी ये प्रोग्राम ये दिन देखने को मिल गया जैसे ही ज्वाइन किया और आप लोगों के साथ ये प्रोग्राम करने का हम लोग को मौका मिला। महिला दिवस पर बहुत सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा, बहुत लोगों से सुना भी होगा। मैं बस इतना ही चाहूँगी कि कई वर्षों से बहुत प्रोग्रेस हुई है वुमेन राइट्स को लेके, वुमेन जो महिला सशक्तिकरण है उसको लेके ऑलरेडी काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे विश्व भर में। यहाँ पर बहुत सारे माँ बाप भी देख रहे हैं, बहुत सारी बच्चियाँ भी देख रही हैं और इन लोग का टैलेंट तो आप लोग के सामने ही है, चाहे ये आर्ट में हो चाहे स्कूल में भी आप देखिए लड़कियाँ कितना अच्छा प्रदर्शन करती हैं एकेडमिक्स में। तो आप सभी जितने भी माँ बाप हैं यहाँ पर, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग ऑलरेडी इतना कर रहे हैं, बस इतना इंश्योर रखिएगा कि आपके जितने भी बच्चे हैं चाहे बेटी हो। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।